बता दें कि आचार संहिता की आड़ में पहले कई जगह अतिक्रमण हुए और अब अवैध निर्माण लगातार अधिकारियों की अनदेखी के चलते अंजाम दिए जा रहे हैं। जितेश जेठानंदानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेश, ये जेडीए के सतर्कता अधिकारी कहाँ हैं आखिर? प्रदेश में बड़ी संख्या में यहाँ पर खासकर जयपुर की बात करें तो अवैध निर्माण हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में आचार संहिता के आड़ में अवैध निर्माण हो रहे थे। आचार संहिता भी खत्म हो गई है, नई सरकार बन गई है, उसके बाद भी हालात ये है कि पीआरएन साउथ में जो आलोक गौतम है वो ध्यान नहीं दे पा रहे, पीआरएन नॉर्थ में बाबूलाल बिश्नोई, जोन 10 में ईओ मुकेश कुमार और जोन 9 में नवीन खंडेलवाल और जोन 8 में दिलीप सोनी के क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध निर्माण हो रहे हैं। ऐसे में जीडी के सतर्कता अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर कब तक इस तरह से बेलगाम अधिकारी जो उन पर लगाम लग पाएगी? जीडीसी चेंज हो गए हैं, नहीं आज ही, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से हालात ये है कि शहर में जो भी लोग हैं जो अवैध निर्माणकर्ताओं की कंप्लेंट करते हैं और जो अतिक्रमण की कंप्लेंट करते हैं उनकी अतिक्रमण की कंप्लेंट की कार्रवाई नहीं होती और पिक एंड चूज का काम हो रहा है। जिस व्यक्ति से सांठगांठ हो जाती है उसका उसके अवैध निर्माण छोड़ देते हैं और जिसकी सांठगांठ नहीं होती उसका तोड़ देते हैं। तो ये जो है ये कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं जी। लेकिन जितेश, अभी ये अचानक मामला कैसे सामने आया? क्या इस बारे में कोई लगातार कुछ शिकायतें आ रही हैं या फिर विभाग इस पे स्वयं संज्ञान ले रहा है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से आम जनता यहाँ पर जेडीए पे अतिक्रमण की और अवैध निर्माणों की शिकायतें कर रही है, कॉल सेंटर बना रखा है जेडीए ने, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया आचार संहिता के आड़ में, आचार संहिता के बाद भी। तो ऐसे में ये जनता जो परेशान हो रही है उसके कारण ये पूरा मामला अब सामने आया है कि इस तरह से इन जोन जो सतर्कता अधिकारी है ईओ है उनके यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन जितेश बात करें अभी उच्च अधिकारियों की, तो जेडीए इतना बड़ा महकमा और इतनी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, लेकिन इस बीच अवैध निर्माण को लेकर क्या जवाब दे रहे हैं, क्या जवाबदेही है इनकी और क्या कह रहे हैं अधिकारी इस बारे में? अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर कोई कोई भी व्यक्ति उनको फोन करता है तो वो फोन काट देते हैं। इसी तरह से अपने ही अंदाज में अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत यहाँ पे सिद्ध हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेश, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले में, आगे जो भी जवाब जीडीए के अधिकारी देते हैं या क्या कार्रवाई इस पर होती है आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।